बहुत फ्रेंडली डॉग है जी, अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। ये देखो व्यूअर्स, बिल्कुल नई संगली डाली हुई थी, इसके चैन है जो बिल्कुल नई थी, इसकी मजबूती आप देख सकते हो, इसने रात को ये भी तोड़ दी है जी। तो जोर में तो ये बिल्कुल इसका कोई जवाब नहीं है। ये देखो व्यूअर्स, टर्की कैसे पानी को देख रहे हैं जी, इधर पानी पर अभी लग जाएंगे इधर। नमस्कार व्यूअर्स, सुरेंद्र सिंह ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जी। तो आज हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है, तो अपना जो पोल्ट्री फार्म और आल जानवर जो भी है, सभी आपको कंटिन्यू अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे जी। तो हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो हमें बनाने का मनोबल मिलता रहे व्यूअर्स। तो आज से अपने ये ब्लॉग स्टार्ट कराते हैं जी, आपको ब्लॉग में आता रहेगा सारा पूरा दिन। ये देखो व्यूअर्स, अपनी मैक्सी है जो धान के पौधे लगाए हैं, जो उसको खा रही है। अपना पेट साफ करने के लिए ये डॉग ऐसा करते हैं कई बार, तो ये घास फूस ऐसा चीज़ें खाते हैं, इससे क्या इनका पेट साफ हो जाता है। तो इधर व्यूअर्स ये देखो, अपने मुर्गों के बच्चे बैठे हुए हैं, मुर्गियाँ बैठी हैं छाँव में, और टाइगर देखो आराम से सुकून से बैठा हुआ है जी, आराम कर रहा है, बिल्कुल मस्ती में सो रहा है। दोपहर का वक्त है, दोपहर पूरी अपने जोरों पर है। ये अपने धान का खेत हो गया। तो व्यूअर्स, ये डक के बच्चे हैं, इनको पिंजरे में बंद कर रखा है, अगर बाहर में खुला छोड़ते हैं तो ये धान में आगे वो पानी में आगे तक भाग जाते हैं जी, क्योंकि पानी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो व्यूअर्स इनमें देखो, आप डक के बच्चे देखो, इसमें ये वाइट और ब्लैक, ये बहुत सुंदर बच्चा लग रहा है, एक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आधा वाइट बनेगा, आधा अपना खाकी कलर में आएगा, खाकी और वाइट, ठीक है। फिर वो देखो आराम से खुजा रहा है कैसे। तो ये पिंजरे में बंद कर रखे, अभी थोड़े उनको बड़े हो जाएंगे तो बड़ी डक के साथ इनको डैम में पानी में छोड़ देंगे जी। तो व्यूअर्स, ये दोपहर का वक्त है, गर्मी अपने पूरे जोरों पर है, और वो पीछे देखो आप डक पानी में आराम से बैठी हुई है, आपको दिखाते हैं जी। ये देखो व्यूअर्स, डक आराम से पानी में बैठी हुई है, पानी के अंदर दोपहर के वक्त ये मजे कर दिए जी। पानी इनके लिए जरूरी है, वो छोटे वाले बच्चे हैं जो उसको भी इसी पानी में इन्हीं के साथ छोड़ देंगे थोड़ा बड़े होने पर। अभी कई बार क्या है, ये नर है जो ये बहुत खुरा पाती हैं, ये बच्चों को डुबोकर पानी के अंदर मार देते हैं जी, इसलिए इधर अभी नहीं छोड़ेंगे। तो व्यूअर्स, इधर अपने टर्की, गर्मी की वजह से ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इसमें टर्की बैठे हुए हैं आराम से। ये देखो एक आराम से बैठा हुआ, मिट्टी खोद रखी है पूरी एकदम अच्छे से, और एक पास में खड़ा हुआ है जी, आपको दिखलाते हैं। देखो व्यूअर्स, टर्की अपने, टर्की दोनों नर है जी, और मादी, मादी भी आपको दिखाते हैं जी। ये देखो व्यूअर्स, केज के अंदर मादी बैठी हुई है, वैसे केज का डोर है जो ओपन है, जब मन करता है बाहर चली जाती है, मन करता अंदर आ जाती है जी। तो व्यूअर्स, ये अपने आंवले के जो पौधे हैं, ये काफ़ी इस बार फले फूले हैं, बारिश अच्छी होने की वजह से, इनकी आप ग्रोथ देखो व्यूअर्स, इनको क्या हम लोगों ने ये घास जो निकाल दिया है, इसमें खूब सारा घास हुआ था बारिश की वजह से। और ये अपने किन्नू का पौधा है जी, और इस साइड व्यूअर्स कड़कनाथ पानी पी रहे हैं आराम से और घूम रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये पानी में अपने लगे हुए हैं एकदम, और इधर पेड़ लगाए थे जो हमने डेक के पौधे लगाए हुए थे, तो उधर ये देखो व्यूअर्स, एक तो टर्की की फीमेल इधर ही बैठी हुई है, तो इधर बैठे हैं। तो हम लोगों ने क्या है, ये जो फार्म है अपना ये वाला, इस फार्म का क्या डोर ओपन कर दिया जी। तो अब दोपहर के वक्त कुछ जानवर, ये देखो मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं, तो कुछ जानवर इसके अंदर आ जाते हैं जी। ब्लैक ऑस्ट्रलोप जो पैरों पर जो इसके रस्सी बांध रखी है, तो इनको ब्रीडिंग के लिए हम लोग आगे पालेंगे, आपको दिखाएंगे जी व्यूअर्स कैसे इनकी ब्रीडिंग होती है और कैसे बच्चे निकले। इसमें कड़कनाथ और डबल एफ जी दोनों ब्रीड है। लाल कलंगी में तो ये अपने, सॉरी डबल एफ जी नहीं, ये ब्लैक ऑस्ट्रलोप, लाल कलंगी में तो ये ब्लैक ऑस्ट्रलोप है जी व्यूअर्स, और ये कड़कनाथ, ये अपना फर्स्ट ब्लॉग है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना इस पेज पर। इस पेज पर ये पहला व्लॉग आएगा व्यूवर्स। और टर्की को बाहर बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने आगे भी वो दान से इधर जो जगह पड़ी हुई है इन्हीं के लिए छोड़ दिया, पौधे उधर भी लगा दिया, तो अगले साल के लिए अच्छा छाया का बंदोबस्त हो जाएगा जी। तो छाया में एकदम अच्छे से रहेंगे व्यूअर्स। ये देखो आराम से घूम रहे हैं ना, आज दोपहर के वक्त ये अंदर है छाया में है, और शाम के वक्त आपको व्लॉग में दिखाएंगे तो ये बाहर घूम रहे होंगे व्यूअर्स। तो अपने पूरे दिन का व्लॉग बनाया करेंगे जब भी समय मिलेगा समय समय पर। तो ये अपना एक फार्म आ गया है, ये दूसरा फार्म सेकंड फार्म अभी तैयार हो रहा है, तीसरा फार्म। तो तीनों फार्म का पूरा आपको जो भी जितने वर्ड है, ये देखो व्यूअर्स टर्की अपने पीछे पीछे इधर आ गया जी, मादी के पास रुके हुए हैं दोनों। कलर बहुत ही जबरदस्त और सुंदर कलर में है, ठीक है व्यूअर्स। तो अभी ये पानी धूप में है तो इसको हम उठाकर वहां पर छाया में लगाते हैं जी। तो व्यूअर्स हमने क्या है, ये पानी के लिए छाया में बंदोबस्त कर दिया, ये छाया में लगा दिया। देखो आपको दिखाते हैं व्यूअर्स, ये देखो व्यूअर्स। तो हम लोग इसको छाया में अब पानी लगाएंगे, तो जहाँ पर ये जितने भी जानवर है पूरे पानी पूरा दिन छाया में पीते रहेंगे। वो धूप हो गई थी सुबह और शाम के वक्त हम वहाँ पर ये पानी लगा देते थे, तो अभी इसको छाया में लगाएंगे। ये देखो व्यूअर्स पानी है जो अपने बट्ठल के अंदर डाल रहे हैं, तो ये पूरा दिन आराम से सुकून से पीते रहेंगे पानी को। ये देखो व्यूअर्स टर्की कैसे पानी को देख रहे हैं जी, इधर पानी पर अभी लग जाएंगे। इधर छाया का अच्छी व्यवस्था है, तो छाया में ये जानवर अच्छा फलता फूलता है जी। ये ब्लैक ऑस्ट्रेलोफ के आप देखो जी, और एक ये बिल्कुल पास में आकर मुर्गी रुकी हुई है अपने, ये कड़कनाथ का मुर्गा जी। तो ये पानी भर गया, अब इसे बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स ये पानी इनका ख़त्म हो गया जी दोपहर के वक्त, तो जानवर पानी डालते हैं इनको। ये देखो फीडर वगैरह नीचे फेंक रखी है, तो ये पानी ड्रिंकर वगैरह नीचे फेंक रखे है सारे, इनमें पानी हम लोग लगा देते हैं इनको, तो आराम से ये पानी दिन में पीते रहेंगे और फीड शाम को ही डालेंगे अब। तो व्यूअर्स ये हमने पानी लगा दिया है जी इसको, पानी के जो ड्रिंकर है वो भर दिए हैं ये, अब जितना पीते जाएंगे उतना 7 लीटर तक उतना पानी आता जाएगा जी, 7 से 9 लीटर। तो ये सारे पानी पर लग गए हैं, जो भी जितने भी बैठे हुए थे सारे पानी पीने लग गए हैं जी। दोपहर का वक्त था और पानी खत्म हो गया था जी, तो हमने पानी क्या है दोबारा लगा दिया है, तो अब ये पूरा दिन जो बचा हुआ दिन है पीते रहेंगे पानी। तो व्यूअर्स ये अपना टाइगर बैठा हुआ था, इसको बुलाते हैं जी। टाइगर कम, ये देखो बहुत फ्रेंडली डॉग है जी, अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। बुली बहुत ही ज्यादा जैसे अग्रेसिव होती है, तो ये बहुत ही शांत है उसे। तो ये बचपन से हमने बच्चा पाला हुआ है, बिल्कुल छोटा सा एक ही बच्चा था, बड़े लाड़ प्यार से इसको पाला है, तो उसी हिसाब से अभी ये जोड़ा हो गया अपने पास, एक ये मेल है एक फीमेल है। तो दमखम और ताकत में ये बहुत जबरदस्त है। जो ये आपको केज दिख रहा है, पिंजरा दिख रहा है इसका, रात के वक्त ये 2-3 किले दूर उठाकर इसे ले गया जी। वो आगे जो पिंजरा दिख रहा है ना आपको, ये खींच कर ले गया उसको। तो ये देखो व्यूअर्स आपको एक और चीज दिखाते हैं मैं। ये देखो व्यूअर्स बिल्कुल नई संगली डाली हुई थी इसके, चैन है जो बिल्कुल नई थी, इसकी मजबूती आप देख सकते हो, इसने रात को ये भी तोड़ दी है जी। तो जोर में तो ये बिल्कुल इसका कोई जवाब नहीं है, इतनी ताकत, जो ताकत इस बुली डॉग में होती है, जब खासकर पाकिस्तानी बुली डॉग में, उतनी ताकत और किसी डॉग में नहीं होती है जी। और फ्रेंडली भी ये बिल्कुल एकदम पूरा फ्रेंडली है, ऐसी बात नहीं है कोई भी, जैसे अपने वीडियो वगैरह में खबरों में देखते हैं जी डॉग उसको काट गया ऐसा, है ना, पर ताकत में बहुत जबरदस्त है ये देखो व्यूअर्स, ये डक का जो फार्म के अंदर घुस गई है, तो ये सारा पानी ये वेस्ट कर देती है, सारे पानी को बहा देती है, उनकी चोंच लंबी होती है और पानी में ये चोंच डाल डाल कर। तो इस फार्म को भी बंद कर देंगे, डक को क्या है शाम को 5 बजे बंद कर देंगे, तो उस वक्त इस फार्म को खोल देंगे। वैसे अभी गर्मी भी है, तो गर्मी में क्या है ये जो डक है, जो मुर्गी है, मुर्गी बाहर कम घूमती है, डक को तो गर्मी सर्दी का कोई मतलब नहीं है। ये देखो
व्यूअर्स, बहुत ही ये खतरनाक डक है। देखने में तो छोटी छोटी लग रही है लेकिन है बहुत खतरनाक। ये भगाते हैं इनको इधर से। चलो वापिस अपने ओंड में चलो। फिर देखो फिर उसने उसको पकड़ लिया। बहुत ही ये खतरनाक डक है।